ब्रह्म कुमारी आश्रम आदर्श नगर जालंधर की परम आदरणीय परम श्रद्धेय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी कृष्णा बहन का प्रथम पुण्य स्मृति दिवस श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में आयोजित किया गया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनों ने प्रार्थना कर ब्रह्म कुमारी कृष्णा बहन को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पुडुचेरी के पूर्व गवर्नर इकबाल सिंह, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, विधायक रमन अरोड़ा, मेयर जगदीश राजराजा, पूर्व विधायक केडी भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक सुशील रिंकू, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विच, राजन अरोड़ा, राजन अंगुराल, प्रेम बहन, उत्तरा बहन, संदीरा बहन, लक्ष्मी बहन, अनीता बहन, रेखा बहन, रीमा बहन, पुष्पा बहन, उषा बहन, आशा बहन, रजनी बहन, वीना बहन, तृप्ता बहन सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर ब्रह्मलीन कृष्णा बहन को श्रद्धा सुमन भेंट की। ना उस तिथि का पता है, जब यात्रा समाप्त हुई ना हमें उस तिथि का पता है, दोनों तिथियों का हमें नहीं पता। और शायद जीवन का यही एक रोमांच है। अभी बहन ने किसी से बीच में बात करी थी कि ऐसे जियो के अगला पद आना या नहीं आना, ये सत्य है। हम यहाँ पे बैठे हैं सब, सिर पे मौत मंडरा रही है, कब किस समय आ जानी है किसी को नहीं पता। और इसी बात को लेकर योग विशिष्ट में भगवान राम ने अपने गुरु शिष्य से पूछा था कि अगर सब कुछ परमात्मा के दिया तो इस जीवन का क्या लाभ है। तो गुरु जी ने उस समय भगवान राम को कहा कि देखो, एक तो है प्रपत्त जीवन कर्म हमारे, तो इस समय आज जो कर्म करेंगे वो हमारा अगला भाग्य बनाएंगे। तो ये द्वंद्व चलता है जीवन यात्रा में, आपके प्रारब्ध कर्म में और वर्तमान जो कर्म करते हैं। और उन्होंने भगवान बोला कि जो आज कर्म करने जा रहे हो वो सोच के करना, क्योंकि उसी के आधार पर आपका भविष्य बनने जा रहा है। तो पतंजलि में जो योग की परिभाषा दी गई उसमें क्या, जो इतना हलचल इस संसार में है तो मन चंचल है, तो राजयोग उस जो शब्द यूज किया गया वहां पे, तो राजयोग है कि आप अपने मन की चंचलता को निष्क्रिय करते हुए, उस पर काबू करते हुए उस परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ना, ये राजयोग। और आज दीदी का अपने यहां चित्र रहा है और इस चित्र के पीछे हम इस चित्र को नहीं देख रहे, वो स्वरूप तो है पर असल में हम जो भी दीदियों ने बात करी उस चरित्र को देखते हैं, जिसने केवल अपना अपनी आत्मा को साथ में नहीं बनाया बल्कि और सबको प्रेरित किया कि ये रास्ता इस जीवन में जो यात्रा जो शुरू हुई है उसको जो मोक्ष जो अंतिम लक्ष्य है उसकी तरफ दिशा निर्धारित करना। और वो निशा निर्धारित कैसे होती है, आपके अपने मर्यादित जीवन से। जो जितनी बहनें यहाँ बैठे हैं, सुंदर भाई ने मेरे से बात की, मैं 30 साल 89 में शायद मैं पहली दफा आश्रम से जुड़ा था राज बहन जी थे, तो पहली दफा मैं समझता कि जो माइक पकड़ना और बोलना वो आश्रम से ही सीखा। मैं अभी सुन रहा था अपने भाई उत्तम हिंदू के बहुत बड़े राइटर और मेरे पुराने साथी मैं तो खालसा स्कूल में पढ़ता था जहां से भाई मुझे देखते थे, तो वो समय मुझे याद है कि जहां पे बाबा की फोटो लगी होती थी उस रूट में, तो मैं दर्शन करता था। तो उस समय सब बातें बचपन में सुना करता था, धीरे धीरे जिंदगी का समय जो बीता जाता है उसमें आप किसी महापुरुष के दर्शन करो तो वो हर समय चलता रहता है। 92 में मैं पार्लियामेंट का मेंबर था,
तो एक दिन फोन आया कि आपको ब्रह्म कुमारी बहने मिलना चाहती है। तो मैंने समय दे दिया घर में, मैं कहा भागे। तो सुबह सुबह कोई 9 बजे चार बहने घर में आ गई। दूध स्टेट में रहता था उस समय। मैंने उनके सबके दर्शन किए, मैं अपनी मिसेज को भी बुलाया। तो बातें करते करते उन्होंने हमें कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे आप आश्रम में, यहाँ काफी आश्रम है, आप आए हमारे पास। फिर बातें और चलती रही जीवन के बारे में। मैंने उनको समझा बताया कि मैंने इस समय से शुरू किया हुआ, देखा हुआ है। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपके आश्रम में आऊंगा। दिल्ली में आश्रम में गया, आश्रम में जाके मैं सबको मिला। कुछ प्रवास शायद रहते थे, उनकी मिसेज, उनके हस्बैंड, जो भाई बहन का रिश्ता बना के वहां पे वो रहते थे। तो सबसे मेरी बातचीत हुई। कुछ आश्रम और भी मुझे थोड़े दिन में उन्होंने 3-4 आश्रम में ले गए। पर मुझे ये खुशी हुई कि ये भारतीय संस्कृति जो है, इस संस्कृति में हमें सबको उस प्रभु की लीला, उसका प्रभु का स्मरण, उसमें हमें रहना चाहिए। धीरे धीरे मैं काफी स्टेट्स में जाना शुरू कर दिया। तो जिस स्टेट में मैं जाना तो वहां पे भी मुझे बताया जाना कि यहाँ पे आश्रम है, आपको वो लेने आएंगे, तो मैं चला जाता था। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान मंच पर विराजमान सर्व महान विभूतियां सभा में पधारे सर्व भाई बहने, आज हम सब अपने आदरणीय श्रद्धे कृष्णातीत जो कि परम पिता परमात्मा की अति प्यारी ब्रह्मा बाबा की लाडली और सभी दीदी दादियों की स्नेही, सारे दैवी परिवार की अति स्नेही आदरणीय कृष्णा दीदी जी के प्रथम पुण्य स्मृति दिवस पर हम पहुंचे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इतिहास में आदरणीय कृष्णा देवी जी और उनके परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण यादगार है। हमारे पंजाब में इस समय जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है वो आदरणीय कृष्णा देवी जी के लौकिक पिताजी और सारे परिवार के पूर्ण योगदान, त्याग, तपस्या, सेवा से इतना विस्तार पड़ा। 1954 में अमृतसर में एक धर्म सम्मेलन हुआ था। हर वर्ष वहां पर वेदांत सम्मेलन होता है मजीठा रोड में निर्मल स्वामी जी के आश्रम। तो वो भारतवर्ष के वेदांतियों को, जो महान आत्माएं साधु संत होते हैं, उनको वो निमंत्रण देते। उसी कड़ी 1954 के लगभग माउंट आबू में यहां से निर्मल स्वामी जी का निमंत्रण गया था।
और हमारे आदरणीय प्रजापिता ब्रह्मा उस समय थे। उन्होंने हमारी श्री विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासक आदरणीय जानकी ठाकुर जी को अमृतसर में भेजा था प्रवचन करने के लिए। 3 दिन दादी जी ने प्रवचन किया था और 3 दिन का ही प्रोग्राम था। उसके बाद दादी जी को माउंट